पासबुक में नाम है? चेकबुक में नाम। तो चेकबुक में साफ दिखी गई थी। मैं डॉक्टर ज्ञानेन्द्र गुप्ता, वरिष्ठ श्वास दवा टीबी रोग विशेषज्ञ एवं गहन रोग विशेषज्ञ हूँ, गंगाशील हॉस्पिटल बरेली में। आज जैसा सब लोग जानते हैं कि आज वर्ल्ड टीबी डे है, और वर्ल्ड टीबी डे क्यों हम लोग क्यों मना रहे हैं ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है सब जानना। वो इसलिए मनाते हैं कि लगातार हम लोगों में मतलब जनता में बीमारी से संबंधित जागरूकता में अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिसके लिए साल में एक दिन हम लोग कमिटमेंट देते हैं कि जागरूकता को और बढ़ाएंगे और इस बीमारी को हटाएंगे। तो ये तो वर्ल्ड टीबी डे क्यों मनाते हैं ये बात हुई। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि इस बीमारी को हमें समाप्त करना है, जिसके लिए आम जनता को उसके सिंपल लक्षण मालूम होने चाहिए और डॉक्टर तक जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, जिससे कि बीमारी को जल्दी से पकड़ के और वो बीमारी को जल्दी से ठीक कर सकें। सबको मालूम है बुखार आना, कमजोरी लगना, खांसी बलगम या खून का आना, या कभी कभी ज़्यादा बीमारी में सांस भी फूल सकती है। ऐसी कंडीशन में सबसे पहला काम है कि यदि आप को ये सिम्टम हैं, ये परेशानियां हैं, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, चीज़ों को समझें, जांच कराएं और उसका प्रॉपर इलाज लें। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि इस तरीके के लक्षण आपको समाज में कहीं दिखते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना कर रखें, और सबसे अच्छा रहेगा कि आप उनको डॉक्टर के पास ले जाएं और उनकी जांच करा के कि क्या कारण हो सकता है, उनकी बीमारी को पकड़ के उनका ट्रीटमेंट करें। तो ये हमारे लिए, अपने लिए भी सुरक्षित होगा, दूसरे व्यक्ति के लिए भी सुरक्षित होगा, समाज के लिए एक अच्छी कल्चर डेवलप होगा। ये कमिटमेंट करते हुए आज भी टीवी डे पे हम सभी लोग फिर से एक बार कमिटमेंट करें कि हमें इस बीमारी को जल्दी से जल्दी हटाना है। जैसा सभी लोग जानते हैं, इतनी साल से हम लोग टीबी डे मना रहे हैं, उसके बाद भी आज भी पेशेंट टीबी के हम लोगों के पास आ रहे हैं। हाँ, संख्या पहले से कम हुई है, लेकिन अभी भी जागरूकता की कमी है, अभी भी पूरी चेन ब्रेक नहीं हुई है। लेकिन हमें उम्मीद है जिस तरीके के पेशेंट्स आ रहे हैं, जो पहले बहुत